हेलो दोस्तों, सारे भाइयों नूं सति श्री अकाल, राम राम। सो मैं तुहाडा अपना देबू फोरमैन पहाड़पुरी आ। सो भाई जी, मतलब हुण कई कई जगह ते जिवें छत्तीसगढ़ सीजन चल रहा, होर भी कई जगह ते सीजन चल रहा। सो उस बारे अज असीं फिर एक नई जानकारी क्यों पाउंदे रहिंदे आ। सो एक कई बंदां दे मैनूं कॉल आउंदे रहिंदे नें कि फोरमैन जी, कई वारी कंपैन मतलब इत्थों बाहर सट्टण लग पैंदी माल। सो भाई जी, एक समझाने के तौर तरीके दे नाल ही मैं समझा रहा, जिवें मतलब कुछ समझने वाले बंदा हो तो समझ लेगा, जे कोई कहने वाला भी यार है, पता नहीं की गल कह रहे। सो उस गल दे बारे जानकारी असीं दे रहे हैं। तो जो जानकारी है, सो भाई जी वो जानकारी है भी दुख जिवें मतलब एक जगह तो लग जाए, एक जगह तो कोई भी चीज है जी, जिवें कोई भी ला लो, जिवें ठंड लग गई, ठंड दे नाल जुकाम लग जांदा, जुकाम दे नाल बुखार हो जांदा। सो एक ही बीमारी दे नाल कई बीमारियां चिंबड़ जांदियां ने। सो आपां एक बीमारी की दवाई लेंदे रहिंदे आ, तो वह बीमारी फिर जिहड़ी पहला शुरू तो लगी वो ठीक नहीं होंदी, आपां उस बारे ध्यान नहीं देंदे, दूसरी बारियां बीमारियां वाले ध्यान दे रहिंदे आ, इन्ने देर दे विच अपनी बीमारी वह ज्यादा वध जांदी, तो उस दे नाल ही आपां नूं पता नहीं लगता भी यार आपां वह बीमारी तो असीं ठीक करी जा रहे हैं तो साढ़े तो वह कम बन नहीं रहा। सो जिहड़ी शुरू दे विच ही पहला बीमारी दे विच ही आपां इलाज करवा ली, सो उहदे बाद में कोई ज्यादा बीमारी नहीं वधेगी। सो इसे गल दे उत्ते ध्यान रखदे हुए आपां एक गल होर तुहानूं दस रहे, जिवें मान लिया इहदे उत्ते माल आ रहा है, सो इहदियां बीमारियां तुहानूं दस देणियां भी कित्थों कित्थों लगनी शुरू हो जांदियां ने, माल इत्थों क्यों आना शुरू हो जांदा है। सो उस बारे असीं इह जानकारी दे रहे हैं। सो आओ दर्शको, पहली जिहड़ी जानकारी है वह इत्थों शुरू करदे हां आपां। जिवें कई वारी बाई जी आपां चैन पा दिंदे हां, थोड़ी नवीं चैन पाउण वेले छोटी कर लैंदे हां ते पिछे ज्यादा चल जांदी, तो फ्रंट ऑगर तों मान लै ज्यादा गैप बन जांदा है, तो फ्रंट ऑगर इत्थों ही फ्रंट ऑगर दी जिहड़ी फिंगरां ने उह इत्थों माल उत्ते चक्कण लग पैंदियां ने, बारो बार ही माल उत्ते इवें चक्कण लग पैंदियां ने। एक बीमारी तो यह होगी जी, कई बार फट्टियां घट पा दें, जकदम थब्बा गया, थब्बा इस नल नाल इस फट्टी ते चढ़िया और बाहर आ जाता है। सो दूसरी जिहड़ी बीमारी है वह तुहानूं पिछे कटरवाल दे उत्ते समझाने आ। सो आओ पिछे चलदे आ। सो भाई जी, हुण दूसरा कारण जिहड़ा जिवें मतलब यह हो गया, देखो यह टैना जे जमान ला पिछे ज्यादा नूं मुड़ जाण, पिछे मुड़ जाण तो माल फिर भी है उत्ते चक चक के सट्टन लग पैंदियां ने। दो नंबर हो गया, तीसरा नंबर जिहड़ी है जिवें फरुंगा देख लो, तुसीं सामने देख रहे हो यह फरुंगा मान लै जिन्नियां इत्थे ने ना इन्नियां ही यह इत्थों तक जानी चाहीदियां ने, अगे इत्थों तक सेंटर तक जानी चाहीदी, जिहड़ा माल पिछे लै जाण खिच के। और इहदा बैलेंस और पिछला बैलेंस तुहानूं दस दिंदे आ, जिहड़ा तां पिछला बैलेंस है यह वेखो, यह तुहानूं नजर आ रहा है बिलकुल इहदा प्लेन हो गया, कहिण दा मतलब इत्थे माल उत्ते नहीं जा सकता, जदों यह इन बाहर दिसन लग पैण जिवें यह दिस रहे हैं इनियां भी इत्थों पिछों बाहर दिसन लग पैण। सो समझ लो माल उत्ते जान लग पैंदा है, तो इत्थे जदों माल चल गए नालों नाल ही ढेर दे नाल ही इन्हें उत्ते चट देना है, जदों इहदे उत्ते चढ़ गई और नालों नाल ही पैप दे उत्ते डिगना माल, माल बाहर चल जाना है। सो भाई जी, इहदा उत्ते वाला गैप जिहड़ा है, देखो उत्ते वाला गैप और जिहड़ा यह थले वाला गैप यह बिल्कुल सेम होना चाहिए, अगे तो जिहड़ा पिछे वाला गैप यह बिल्कुल प्लेन हो जाता है, अगे नूं बहुत ज्यादा वध जांदे क्योंकि इहदा जिहड़ी एस्टीमेटिंग दित्ती हुंदी है वह अगे नूं ज्यादा दित्ती हुंदी। सो दूसरी गल यह देखो, इहदे नाल इहदे तों वह वेखो पिछे थोड़ी जिही तुहानूं नजर आ रही है, बिल्कुल ही एक इंच का गैप है जी, बिल्कुल एक इंच का ही गैप होना चाहिए, और इस तों भी एक एक डेढ़ इंच का गैप इतने होना चाहिए, नहीं तो इतने दाने रुकन लग पैंदे ने, कई बाइयां दे इतने बहुत ज्यादा दाने रुकते हैं, फिर जो मशीन खाली हो जाती फिर इतों दाने चक चक के बाहर मारी जाती। सो भाई जी, इदा ही दो तीन कारण मतलब रीजन निकल आते हैं एक ही बीमारी के नाल। तो आप जो मान लो कई बार आप कही जाने यार आप फरुंगा सैट कर लिया ने, माल अपना फिर भी नहीं रुकया जा रहा, अगे दाने सट्टी जा रही, कल्ली फरुंगा के नाल ही माल नहीं रुकता। सो भाई जी, मैं देखो रजिस्टर तुम दस दिने, इतने रजिस्टर दिता हुआ उस हिसाब के नाल ही भी अगे पिछे कि हो जाती, जे मान लै उत्ते ज्यादा चक्की हुई है तो इतों थले हो जानी है, पिछे पिछे इधर हो जानी है, इतों पिछे करके ये जी विच वाली रजिस्टिंग पिछे वास्ते उत्ते नीचे वाली रजिस्टिंग इतने है जी। सो देखो तुहानू दस ही रहा होगा भी थोड़ा थोड़ा यह अपनी राह की कंपैन आई है, थोड़े बहुत दाने मतलब इतने पे ने, वेखो थोड़ा जहा उच्चा है जी, इन्ना उच्चा नहीं होना चाहिए भी, देखो भी जिद दाने रुक जाए, देखो तुहानू सामने दिस रहे, ये चौक भी होने लग पैंदी, एक डेढ़ इंच का गैप है इतने, मतलब थब्बा इतने फस जाता है, इन्नी उच्ची नहीं होनी चाहिए, इन्नी उच्ची नहीं होनी चाहिए। तो ये दो तीन कारण जिहड़े तुहानू असीं दस्से ने, इन्हां कारणां दे विचों जे तुहानू कोई भी दिक्कत दिस रही है तुसीं पहलां वह सैटिंग करनी, मतलब उहदी दवाई लैनी, जिस टाइम दिसे भी यार काम नहीं बन रहा, आपां होर काम करी जा रहे हैं, काम अपना सैट नहीं हो रहा, तो समझ लो गड़बड़ कितें हो रहा है और सैटिंग आपां
होर कर रहे। सो यही दो तीन रीजन ने बी जी, इदा ही जानकारी वाली वीडियो वेखने वास्ते सारे बाइयों को गुजारिश है कि मेरा चैनल सबसक्राइब कर लो, देबू फॉरमैन। सो पूरे विस्तार के नाल ही समझाने कि बाइयों के काम दिमाग च आ जाए, किसी बाई का काम चल जाए, तो इस करके असी यहोजी वीडियो बनाने रहने। सो बाई जी होर भी बाइयों को कहो जो यार मित्र है कि काम बाई का नहीं बन रहा, सो अपना चैनल देखे, सो बाई जी वह हल कढ़ांगे। तो अगर फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा तो अपना नंबर पर कॉल कर सकता है 80531 80370 देबू पहाड़पुरिया। यूट्यूब के जो आई डी है देबू फॉरमैन के नाते है बाई जी। सारे बाई लाइक करो, सपोर्ट करो, सारे बाइयों का दिलों धन्यवाद। तो इदा ही हेल्प करते रहेंगे, तो लाइक सपोर्ट जरूर करो, धन्यवाद।